अपने जीभ से ही महसूस कर लेता है और उस मिल में जाकर ये जो है ज्यादातर नाइट को ही इसका मूवमेंट होता है, रात को ही। तो दोस्तों, एक ऐसा ही सांप जो कि खाने में दूसरे सांपों को पकड़ के खा लेते हैं। आइए दोस्तों, इसको इधर जो है जंगल में रिलीज करने के लिए आए हैं अपने अनुकूलित वातावरण में। देखिए दोस्तों, यही सांप जो कि दूसरे सांपों को पकड़ के खा लेते हैं, जैसे कि कोबरा पकड़ के। देखिए ये दोस्तों जहरीला तो है बहुत ही ज्यादा, लेकिन ये सांप जो है बिल्कुल ही काटता ही नहीं है, बाइट ही नहीं करता। आज तक मतलब किसी भी व्यक्ति का वीडियो भी नहीं आया और ना कोई न्यूज है कि ये सांप के काटने से किसी का मौत हुआ है। दोस्तों ये जो है बहुत ही कम जो है बाइट करता है, काटता है। इसका जो है जहरीला दांत जो कि थोड़ा जबड़े के अंदर में होता है, इसीलिए दोस्तों। और ये जो है बिल्कुल ही शांत स्वभाव का सांप होता है। देखिए इतना में अगर कोबरा रहता तो दोस्तों बाइट कर लेता। देखिए तो ये जो है ज्यादातर नाइट को ही इसका मूवमेंट होता है, रात को ही ये सांप ज्यादातर निकलता है। दोस्तों इसको ये जो है भागना चाह रहा है। अभी जो है इसको थोड़ा सा आप लोगों को दिखा के इसको जो है रिलीज कर देंगे इस वातावरण में हमेशा हमेशा के लिए, ताकि ये भी अपना लाइफ को फिर से जी सके। देखिए इसका बड़ी ही आसानी से इसको पहचान सकते दोस्तों, क्योंकि इसका कलर ही ऐसा है कि हर व्यक्ति इसको पहचान सकता है। पीला काला, पीला काला में देखिए। और ये दोस्तों अभी मीडियम साइज का है और माइल्डली ये जो है लगभग दोस्तों 5 फीट तक आराम से हो जाता है, और ज्यादातर नाइट को ही निकल के दूसरे सांपों का शिकार करता है। देखिए ये किस प्रकार अपना सिर को उठा रहा, देखिए हमेशा जीभ निकालता दोस्तों। इसी से जो है ये रेडिएशन वाइब्रेशन को अपने आसपास के तापमान को महसूस कर लेता। देखिए और साथ में ही किस बिल में भोजन रहता है, उस भोजन को भी ये जो है अपने जीभ से ही महसूस कर लेता है और उस बिल में जाकर जो है उस सांप का शिकार करता है। जैसे ही सांप का आसपास कोई भी दूसरा सांप रहेगा तो वो जो है पता चल जाएगा और जाके ये जो है तुरंत उसका शिकार कर लेता है और निगल जाता है। ये दोस्तों कोबरा को भी निगल जाता है। ट्रैंकुलर आकार यही जो है एक ऐसा सांप है जो कि ट्रैंकुलर आकार में होता है। देखिए सभी सांप आकार में गोल होते हैं, लेकिन यही एक सांप है जिसका शरीर बॉडी का त्रिभुज आकार का होता है। देखिए पीठ का जो इसका बॉडी का ऊपर बीचों बीच एक रीढ़ की हड्डी का जैसा होता है, जिसकी वजह से दोस्तों इस सांप को डंटे से भी मारने से ये जो है जल्दी नहीं मरता है। देखिए और एक बात दोस्तों, ये जो है थोड़ा बहुत बैक लेता है अपना पूंछ की ओर से, तो कुछ व्यक्ति का कहना होता है कि ये जो है दोनों तरफ से चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये थोड़ा बहुत बैक लेता है। देखिए ये देखिए इधर दोस्तों इसका जहर वहर कुछ नहीं होता, ना ही कोई काटा होता है। देखिए सिंपल होता है इसका पूंछ, देखिए किस प्रकार लग रहा है इसका पूंछ में जो है माउथ, इधर भी लग रहा आंखें, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो है प्लेन होता है, इसका पूंछ मोटा होता है। आइए इसको जो है दोस्तों इसी के साथ रिलीज किया जाए। आइए देखिए दोस्तों, इधर जंगल ही जंगल है, ये आराम से इसी जंगल में अपना जीवन यापन करेगा। तो इसी के साथ दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए दोस्तों जल्द ही रेस्क्यू का भी वीडियो आएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में है जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।